इस कमेटी की जरूरत ही नहीं थी। आपके पास सारा कुछ रिटर्न में मौजूद है, दो महीना जाया करने की बात समझ नहीं आई। सेनेट का इलेक्शन है, फिर एजेके का इलेक्शन होगा, अपोजिशन लीडर को अगर शामिल करते हालियत ज्यादा बेहतर हो जाती है। अपोजिशन के साथ बना के रखे गिल बल्तिस्तान में जंगलात को कोई खतरा लायक नहीं है। हैरत हुई कि गिल बल्तिस्तान ने खुद डिमांड की किसी की जरूरत इकोनॉमिक एक्टिविटी के हवाले से नहीं हुए, नेगेटिव इम्पैक्ट गिल बल्तिस्तान पर पड़े। खालिद खुर्शीद साहब अच्छे मुशीर अगर मिले, कमिटेड जरूर है, ये चैलेंजेस जो है वो 2021 में भी रहेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने एक अहम इशू के हवाले से जो है वो बात करने का मौका दिया। देखें, मैं तो समझता हूँ कि इस 12 रुकनी कमेटी की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि बल्तिस्तान में रिफॉर्म्स के हवाले से या प्रोविंशियल स्टेटस जो भी देने उस हवाले से ऑलरेडी 2 साल काम हो चुका है। सरताज अजीज की सरबराही में जिस कमेटी ने जिस कमेटी में जितने मेंबर्स थे वही मेंबर्स अब इस वक्त जो नई इन्होंने कमेटी बनाई उसी में वही लोग हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि इस कमेटी की ज़रूरत ही नहीं थी। दूसरा ये है कि आपने 2 महीने मजीद लेने का भी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, जब आपके पास सारा कुछ रिटर्न में मौजूद है, प्रपोज़ल हैं, सब कुछ है, तो इसमें 2 महीना ज़ाया करने की भी मुझे बात समझ नहीं आई। मुझे तो ये लगता है कि आगे सेनेट के इलेक्शन है मार्च में, तो सेनेट के इलेक्शन के बाद शायद इस हवाले से कोई गुफ्तगू ये बातचीत करने के मूड में हो या असम्बली में कोई इस हवाले से कोई मूवमेंट हो। लेकिन ये कि उसके बाद फिर एजेके का इलेक्शन होगा जून में, फिर वहाँ ये जून जुलाई अगस्त तक का मुझे लग रहा है कि ये मामला आगे चलेगा। दूसरा, आपने जो एक पॉइंट रेज किया है कि अपोजिशन लीडर को क्यों नहीं शामिल किया गया, ये अहम सवाल है, क्योंकि अपोजिशन लीडर को अगर शामिल करते हैं तो ये कमेटी ज़्यादा उसकी फालियत ज़्यादा बेहतर हो जाती है। लेकिन ये कि पिछले दफ़ा भी जो कमेटी बनी थी मुस्लिम लीग नून ने जो बनाई थी उसमें भी उन्होंने अपोजिशन लीडर को शामिल नहीं किया था, हालांकि अपोजिशन लीडर ने इस हवाले से अपने कंसर्न शो किए थे, उस वक्त भी नहीं शामिल किया था और अब भी इन्होंने शामिल नहीं किया। तो ये कि अब इस कमेटी का मैं समझता हूँ कि इतना काम इसको करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी काम हुआ हुआ है। हम ज़्यादा एडुकेट हैं, अपोजिशन लीडर वो चीज़ों को समझते हैं, सियासी तजर्बा भी रखते हैं, तो लिहाजा इनको चाहिए कि शुरू दिन से अपोजिशन के साथ बना के रखें। सबसे अहम इशू जो इनके सामने आने वाला है, एक तो ये जो हक के जो मिल्कियत और हक के हाकिमियत वाला जो एक स्लोगन लेके पीपल्स पार्टी सामने आई है, और वो इस हवाले से शायद बहुत जल्द रेजोल्यूशन भी जीबी असेंबली में पेश करने जा रहे हैं। तो इस हवाले से जो अब गवर्नमेंट है, जो रूलिंग पार्टी, उनको चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। वो किस तरीके से उनको ना भी नहीं कर सकते हैं और मेरे ख्याल से हाँ भी उस तरह से शायद ना कर पाएँ, तो इसलिए जो है वो गवर्नमेंट को बड़े तरीके से बड़े होशियारी से अपोजिशन को इन मामलों में साथ आगे लेके जाना होगा। सबसे पहले अभी उनके पास उन्होंने एक रेजोल्यूशन गिल बल्तिस्तान को जो प्रोविंशियल स्टेटस उस हवाले से एक यूनिवर्स रेजोल्यूशन पास करना चाह रहे हैं, उसमें भी मैंने सुना है कि अपोजिशन लीडर खुसूसन ये चाह रहे हैं कि हमें बताया जाए कि उस पैकेज में या जो गिल बल्तिस्तान को सेटअप दिया जा रहा है उसमें क्या है, कितनी सीटें नेशनल असम्बली में, सेनेट में है। लेकिन ये कि क्योंकि मौजूदा गवर्नमेंट जो इस पोजीशन में नहीं है कि उनको कुछ चीज़ें क्लियर करके दे दें, तो कुछ शराइत उस रेजोल्यूशन को पास रखने के लिए अपोजिशन रखने जा रही है। तो चैलेंज इसका तो बड़ा सामना है, लेकिन ये कि अब देखा जाएगा, ये गवर्नमेंट का टेस्ट है कि वो अपोजिशन को किस तरीके से साथ लेके मामलात को आगे बढ़ाते हैं। ये जो इन्होंने फैसला लिया इससे सब हैरान हैं, हर बंदे के जहन में सवालात उठ रहे हैं, और हमारी बात छोटे नॉर्मल से आम लोग भी इस पूछने शुरू कर दिए सवाल कि भाई एफ सी की क्या ज़रूरत है, और वाकई में गिल बल्तिस्तान में जंगलात को या फॉरेस्ट को इस किस्म की कोई ख़तरा लायक नहीं है। अगर आप टिम्बर माफिया को देखें, टिम्बर के हवाले से कोई चीज़ अगर करनी भी, तो वो स्पेसिफिक सिर्फ दियामर रीजन में, दियामर सेक्टर पे उधर आप कह सकते हैं, वहाँ भी जो फॉरेस्ट वाले हैं उन्होंने अपना सिस्टम रखा हुआ है और उस तरह से आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये अजीब महरत की बात है कि इसकी जो है वो रिकमेंडेशन या दरख्वास्त भी गिल बल्तिस्तान गवर्नमेंट ने की है। ये ज़्यादा मुझे इस बात की देख कर हैरत हुई कि गिल बल्तिस्तान ने खुद डिमांड की कि हमें जो है ना वो एफ सी की ज़रूरत है, हालांकि ऐसी कोई ख़ास हमें नज़र नहीं आता कि ज़रूरत। तो इसका मैं समझता हूँ कि एफ सी की डिप्लॉयमेंट का मकसद कुछ और है, जंगलात का तहफ़ शायद मतमईन नज़र ना हो, ये तो वहाँ लोकल पुलिस भी इस हवाले से ये काफ़ी होता कि जंगलात की हिफाजत करनी है। मतलब इसमें एक आध गवर्नमेंट के ऑफिशियल से, मिनिस्टर से मैंने पूछने की कोशिश की, लेकिन ये कि वो भी इस वक्त इस हवाले से बात करने की पोजीशन में नहीं है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि
जो लोग इस हवाले से जस्टिफिकेशन देने के लिए भी उनके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, और अब एफसी की रिक्वायरमेंट होगी तो अब हम देखेंगे कि वो किस तरह से कहां पर होगा, ये वक्त आने वाला वक्त बता देगा। कोविड की वजह से ओवरऑल मुल्क में चीज़ें जो है वो क्राइसिस का शिकार रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कम हुई हैं, और इस किस्म की सूरत हाल जो है मैं समझता हूँ गिलगित बल्तिस्तान में भी उसका असर हुआ है, इम्पेक्ट ज़रूर पड़ा है। लेकिन ये कि गिलगित बल्तिस्तान में क्योंकि इलेक्शन का साल था तो सियासी गहमा गहमी, लोग मसरूफ, लोगों के तवज्जो उस तरफ सियासत की तरफ और सियासी जो एक्टिविटीज़ होते रहे उस तरफ ज़्यादा रहें, लेकिन ये कि इकनॉमिक एक्टिविटी या वहाँ पर डेवलपमेंट साइड पे जो एक्टिविटी है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। और मुस्लिम नून की जो गवर्नमेंट है उन्होंने भी आखिरी अपने दौर में वो अब क्योंकि वो जाने की तैयारी कर रहे थे, समझने की कोशिशों में लगे रहते थे, उन्होंने भी कोई तवज्जो नहीं दी, और अब जो नई गवर्नमेंट जो इंटरिम है उन्होंने भी कुछ नहीं दिया। तो इस साल का जो बेहतर हिस्सा मैं समझता हूँ कि कोई खातिर खा वहाँ पर कोई डेवलपमेंट और इकोनॉमिक एक्टिविटी के हवाले से नहीं हुए, और इसका नेगेटिव इम्पेक्ट जो है वो भी बल्तिस्तान पर पड़ा है। खालिद खुर्शीद साहब से कल हमारी मुलाकात हुई थी, और एक वो यंग एनर्जेटिक और डेडिकेटेड सियासतदान के तौर पर सामने आया है, और उनको चीज़ों की समझ भी है, लेकिन ये कि मैं समझता हूँ कि उनके पास तजुर्बे की कमी है, और उनको मतलब सियासी जो भी हैं गवर्नमेंट के हवाले से अच्छे मशीर अगर मिलें और तो वो कमिटेड ज़रूर है, तो अगर उनको उनकी गाइडेंस अच्छी हो जाए, सियासी मशावरत उनको अच्छे लोगों की मिल जाए तो ये कुछ कर सकते हैं। तो लिहाजा ये कि हम ज़्यादा एक्सपेक्टेशन तो खैर नहीं लगते हैं, लेकिन ये कि वो इस वक्त ये अभी हफ्ता दस दिन जो भी उसका वक्त हुआ है उसमें वो एक्टिविटी जो कर रहे हैं वो एक खुशायंद है। लेकिन सीएम का वो खुद भी कहते हैं कि बिजली जो है वो उनकी प्रायोरिटी है, टूरिज़्म, माइनिंग, इस तरह के सेक्टर्स जो है वो इस वक्त तक तो वो सच्ची बातें कर रहे होते हैं, हम इन चीज़ों को फोकस कर रहे हैं, कोई ठोस बात कि हम ये पावर प्लांट लगाने जा रहे हैं, ये प्रोजेक्ट्स हैं, उन प्रोजेक्ट्स की डिटेल, इस तरह की चीज़ें तो सामने अभी तक नहीं आई। लेकिन ये कि जो जनरली वो बात करते हैं कि ये सेक्टर्स जो है वो हमारी प्रायोरिटी है। लेकिन 2020 देखा जाए तो बहुत सारे चैलेंजेस का जिसका सामना रहा है, सबसे अहम जो है वो कोविड का था, जिसका माशी लिहाज से एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ में, हर जगह इसका इम्पेक्ट पड़ा है। मुझे लगता है कि 2021 भी जो है ये चैलेंजेस जो है वो 2021 में भी रहेंगे, लेकिन ये कि शायद 2021 में कुछ इम्प्रूवमेंट इस हवाले से आएँ, कोई वैक्सीन आए, इस तरह की चीज़ें सामने आ जाएं, तो वो शायद 2020 से 2021 को मैं समझता हूँ कि कुछ बेहतर हमें शायद हालात दिलाएं।